से कुछ लोग जुड़े हुए हमारे साथ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नए आए हैं आज पहली दफा हमसे मिलने के लिए। तो जितने लोग नए हैं मैं चाहूंगा थोड़ा आप लोग एक बार हैंड राइज कीजिए, मुझे ये समझ में आ जाएगा कितने नए। एकदम पूरा उठाना है, पूरा ऐसे नहीं है, कंफ्यूजन नहीं करना, पूरा उठाइए, पता चले मुझे हाँ संख्या ज्यादा है। बहुत अच्छा, आप सबके लिए जितने भी हमारे आप ताली नहीं बजाएंगे, जितने लोग नए आए आपको ताली नहीं बजाएंगे, जिन्होंने इन्वाइट किया है वो ताली बजाएंगे इनके लिए। आज एक विषय है क्रिप्टो करेंसी, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, कुछ 5 साल से होंगे, कुछ 7 साल से होंगे, कुछ अभी अभी होंगे, किसी को पता होगा बट उन्होंने इन्वॉल्वमेंट में हिस्सा नहीं लिया ना। हम अभी चर्चा करेंगे इसी के बारे में कि क्या है हमारे पास और हम किस तरह से काम करते हैं, इसका फ्यूचर क्या है, अभी तक जो हुआ वो क्या है, आने वाले समय में क्या होगा। तो आप लोग रेडी है? यस सर। यस सर। चाय कितने लोग पीते हैं? दूध वाले कितने हैं? दूध वाले अभी दूसरा नाम लोगे ना 80% हार मिल जाएगा। सर दूध दूध प्योर दूध या दूध वाला चाय सर? चलिए मैं क्यों मैं आप लोगों के साथ तो शेयर करना चाह रहा था। एक आदमी को ये वाले हैं हम लोग, वो विषय क्या है? क्रिप्टो करेंसी। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्रेडिंग करते होंगे, जानते होंगे, तो मुझे जोरदार आवाज के साथ बताइएगा, क्योंकि स्टार्ट जो भी होता है क्रिप्टो करेंसी, नाम होता है बिटकॉइन का, होता है ना? yes. जानते सब लोग आप लोग? yes. तो बिटकॉइन कब जन्म लिया? 2009 में। वेरी गुड। 2009 में बिटकॉइन आया दुनिया में। आप लोगों में से कितने लोगों ने बाय किया था 2009-10 में? जानवे नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग अनभिज्ञ थे, अज्ञानी थे ना इसको लेके। एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बिल्कुल नया था मार्केट के लिए। उसके बाद धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई, लोग इसके बारे में जानने लगे, और जब इंडिया में ये पहली दफा आया तो कुछ लोग बोलते हैं कि शायद इसका रेट, मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ, आपके पास जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, है ना जी सर, क्योंकि आप सीखने आए हो, ठीक है ना जी सर। और मैंने यहाँ 3:30 बजे का लंच का इंतजाम किया है, ठीक है जी सर। अभी टाइम कितना होगा? इस दुनिया में उस वक्त इसकी कीमत कितनी थी? 6 से 9 रुपया। किसी ने 6 बोला, किसी ने 10 बोला, आप 6 रुपया को ही मार्क करते हैं ना? ना? हम 6 को ही मार्क करते हैं। 6 रुपये का बिटकॉइन था 2009 में। आपके पास क्या आने वाला है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना जी सर। आप कितना बड़ा अर्निंग कर सकते हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपको इसके बारे में बड़ी शिद्दत से बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। 2009 में एक बिटकॉइन जो था ये 6 रुपया वैल्यू का था, कंफर्म मैं भी नहीं हूँ ना जी सर। 2010 के बारे में मैं बताऊंगा, अगस्त में इसका रेट क्या था, उस वक्त इसको 6 से 8-10 रुपये में लोग बेचते थे, ठीक है ना, जब मेरे पास आया था। तो 2009 में 6 रुपया का था, अभी कौन सा साल चल रहा है सर? 2024 चल रहा है। सबके मोबाइल पे, सबका मोबाइल पे गूगल है ना जी सर। अगर आप गूगल करोगे तो आज इसका रेट मुझे लगता है करीब करीब 50 लाख रुपए दिखाई देगा। कितना? 50 लाख। ज्यादा है क्या? 56 हो गया। कितना हो गया? 56 लाख। मजेदार गेम है बहुत, हाँ अगर ध्यान देंगे तो, ठीक है। हम नहीं जानते हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर जान के भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो ये हमारी कमजोरी है। हाँ, फील करिए, महसूस कीजिए। 2009 में कोई सामान था जो 6 रुपये का था, आज 2024 में 56 लाख रुपए का बिक रहा है। दुनिया का कोई एक चीज मुझे बताइए आप लोग जो इस गति से ग्रोथ करता हो, है? नहीं सर। नहीं। चांदी, हीरा, मोती, जमीन? नहीं सर। नहीं। एक ही चीज है जो मेरे समझ में आया कि अगर आपके आंगन में तेल का कुआं निकल आए, अगर आपके आंगन में तेल का कुआं निकल आए तो शायद आप इससे बड़ा पैसा बना लेंगे, वीडियो पोस्ट है कि नहीं जी सर। अदरवाइज दुनिया का कोई और एक कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो इतने तीव्र गति से, इतना स्पीड, इतना फास्ट ग्रोथ करेगा। हम में से किसी ने बाय नहीं किया होगा ना जी।
हम में से किसी ने बाय नहीं किया होगा, लेकिन ये रेट 6 से 50 लाख पे चढ़ गया। और आज गूगल बोल रहा है कि 50 लाख का एक है, ठीक है जी सर। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, उदाहरण था आपको बताने के लिए कि दुनिया में वर्चुअल करेंसी, आभासी मुद्रा, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, जिसको हम अपनी जेब में नहीं रख सकते ना, जी सर, वो भी बिकता है। बिटकॉइन बोलने का मतलब है, बिट तो समझ में नहीं आता, कॉइन समझ में आता है कि नहीं? समझ में आता है। क्या करेंसी है? सिक्का। सिक्का मतलब जो आपके पॉकेट में भी होगा, 10-5 का होगा ना जी, वही सिक्का ना जी। लेकिन ये वो सिक्का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इमेज है। क्या है? इमेज। जिसका नंबर गेम्स होते हैं ना, नंबर है। आपको मैंने दे दिया 5 बिटकॉइन 5 लिख के ना जी, आपको भेज दिया, आपको लगा मेरे पास आ गया, अब आप करोड़पति हो गए, बस यही चल रहा है ना जी। लेकिन सोचिए, ताज्जुब इस बात का है कि ये चीज मार्केट में 6 का 50-56 लाख 66 लाख रुपए तक चला गया। कितना? 66 लाख तक गया ये। तो ये इतनी बड़ी संख्या में जब लोग इसमें आए होंगे, खरीदार आए होंगे, तभी तो जी। क्या खरीदार आए होंगे तभी तो रेट बढ़ता है ना जी सर। तो आप सोचिए, पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है जबरदस्त तरीके से। हम और आप कितना ही बोल रहे हैं, हमारा कितना उपस्थिति है, क्या हमने आज तक अपनी लाइफ में किया? नहीं किया ना, नहीं सर, नहीं। मौका अभी अपने पास है। मैं जो बताना था आपको, ऐसे ऐसे बिटकॉइन के जैसे जैसे आज के डेट में सैकड़ों की संख्या में कॉइन्स, हजारों की संख्या में कॉइन्स है, जो 10 पैसे का रेट का था, आज वो 100, 200, 500, जो 1 रुपये का था वो हजारों रुपये में बिक रहा है, जो 5 रुपये का था जो लाखों रुपये में बिक रहा है। पता है आप लोगों को सबको, है ना? तो ये काम प्रूफ किया हुआ है कि ये मार्केट आज के डेट में हिट है ना जी सर। तो जो काम हिट है हम उसी को करेंगे ना जी, ठीक है ना जी। अब एक चीज बता रहा हूँ आपको, दुनिया कितनी तेजी से फास्ट हो रही है, मैं सीधे सीधे आऊंगा मुद्दे पे, आपको बताते जाऊंगा, आप समझ में आ जाएगा। आपको नाम बताइएगा जोरदार मेरे साथ, एक व्यक्ति का नाम लिख रहा हूँ मैं, आप उसके बारे में जानते होंगे, अंबानी है सर। कौन है यार भी? मुकेश अंबानी का भाई, राही सर, नंबर वन राही सर। इसका जो बेटा है ना मुकेश अंबानी, वो इंडिया का नंबर एक है ना जी सर। बहुत खुशी होगी आपको जान के कि इसकी जो कंपनी है ना, इनकी रिलायंस ना जी सर, वो जितना प्रोडक्ट आप जानते हैं वो सबका मैन्युफैक्चरर है। क्या है आपके पास आज के डेट में? जूता ये बनाता है, जेवर ये बनाता है, घर में खाने का जो भी सामान, नमक ये बनाता है, मानते हैं कि इस बात को? मानते हैं। हर चीज की फैक्ट्री इसके पास है। और इसका कैरियर कितने सालों का है? इसका जो साम्राज्य है कितने सालों का है? 60 साल। इसका साम्राज्य करीब करीब 60 साल, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो धीरू भाई अंबानी ने अपने जीवन काल में कभी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भी भरा है। आज आप पेट्रोल लेते हो ना सब जगह से? जी सर। तो आप पेट्रोल लेते हो, उसकी सैलरी कितनी होती होगी? 7-8 हजार। 7-8 हजार, 7-8 हजार, 8 हजार। और पुराना होगा तो 15 हजार, ये तो होगा जी सर। तो 1960-70 के दशक में इसके पास भी वही होगा, उस समय का सैलरी होगा। ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति के सच को देखिए कि धीरू भाई अंबानी इसको 1 लाख रुपए सैलरी, ऐसा होगा क्या उस समय? नहीं सर, नहीं। सैलरी तो नहीं मिलती होगी ना जी सर। ये भी अपने घर से बाहर गया था, पता है ना जी सर। ये अपने देश से बाहर गए जाके काम इन्होंने किया था। कहाँ गया था? कहाँ गए थे ये? ओमान, यमन में, ठीक है ना। ये इनका इतिहास है। उसके बाद जब ये अपने कैरियर को ध्यान दिए, अपने लाइफ को ध्यान दिए, उसके बाद 60 साल लगा, आज हिंदुस्तान का नंबर एक अमीर आदमी है, ठीक है। 60 साल में ये व्यक्ति दुनिया का हर सामान बनाता है, इंडिया का नंबर एक आदमी। एक नाम लिख रहा हूं आपको पता हो जाएगा उसके बारे में, जानते इसको पूरा नाम इसके बारे में? जेफ बेजोस। कौन है यार, पता है इसके बारे में? अभी आपको पता चल जाएगा, Amazon। एक कंपनी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ से हम लोग अपनी जरूरत का सामान ऑनलाइन मंगाते हैं ना जी सर। Amazon है। और ये कंपनी 1993 में बनी थी, कितने में? 94।
1994 में इस कंपनी को इन्होंने बनाया था जेफ बेजोस ने अमेज़न के नाम से, और 1994 में बनाने के बाद पूरे 9 साल कितना इनका प्रॉफिट कितना पता है कितना था? तो 1994 में इन्होंने अमेज़न बोल के कंपनी बनाई, और अमेज़न कंपनी का जो इनकम था वो पूरे 9 साल तक था 0। आप बर्दाश्त करोगे? कोई दुकान खोलो आप, कपड़े का दुकान खोलो आप या कुछ भी खोलो आप, अब खोलने के बाद जब आप उस दुकान में जाके बैठोगे और अगर 10-15 दिन कस्टमर नहीं आया, बीपी हाई होगा कि लो होगा? हाई होगा। हाई होगा जी सर। एडमिट हो सकते हैं ना 1 महीना अगर नहीं हो सेल हुआ तो? चांस है ना जी सर। इसने 9 साल 0 इन्वेस्टमेंट 0 इनकम पे काम किया है 9 साल, और 9 साल के बाद यानी 2004 ना जी। से 2024 होते होते इसका इनकम कितना है मैं बताऊं? 41,60,000 करोड़। कितना? 41,60,000 करोड़ बोला ना, 41,60,000 करोड़ का मालिक है, मतलब वर्ल्ड का नंबर वन आदमी। ताजुब नहीं होता सोच? ताजुब होता सर। टेंशन होती है कि नहीं होती? नींद आ जाती बराबर सब सुनने के बाद में? हम लोग इंसान है ना, हम खाते हैं ना। आपको सक्सेस चाहिए कि नहीं चाहिए? सक्सेस चाहिए? चाहिए सर। पांगने से सक्सेस नहीं आएगा, हाथ पैर खून खिलाइए जोर जोर से ना, तब पता चलेगा कि आप प्यार कितनी है। बैठने यहाँ से बैठने के लिए नहीं बुलाया मैं आपको, मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया। कितना बड़ा भूख है आपका मैं देखना चाहता हूँ। मैं वो बताने वाला हूँ जो हो चुका है दुनिया में, मैं नहीं करने वाला, हो चुका है। 41,60,000 करोड़ का कैलकुलेटर में डाल के देखो, तुम करके देखो उतना करोड़ है इसके पास। और मैं बता रहा था कि 2004 तक इसने 0 इनकम किया था, कितना किया था? 0। इसके बाद इतना पैसा है। समय कितना लगा? 9 साल। 20 साल का हुआ? हाँ 20 साल हुआ, 4 से 24। तो सिर्फ कितना साल हुआ इसका? 20 साल। इस 20 साल में दुनिया का कोई रईस आदमी बन सकता है पूरी दुनिया का? 60 साल लगा इसको इंडिया का रईस आदमी बनने, नहीं जी सर। बहुत बड़ी बात बताऊंगा जिसके बाद सुन के शायद आपको रात में नींद नहीं आएगी। जेफ बेजोस एक धागा का मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करता, बटन भी नहीं बनाता, बटन समझते ना जी सर, पकड़े बात है ना, बटन वो भी नहीं बनाता। इसके पास मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे 0 है प्लांट, कितना? 0। और ये व्यक्ति दुनिया का इतना बड़ा रईस है, कैसे? ऐप्स खोला, इसलिए पकड़ा समय को। क्या पकड़ा? समय। समय को पकड़ा, और समय बोलता है कि जो समय हम आए हैं उस समय में आज की डेट में सबसे बड़ा हथियार क्या है? ठीक है, सोशल मीडिया। सबके पास एक मोबाइल होगा है जी सर, सबके पास मोबाइल है ना जी सर। और जो मोबाइल आपके पास है आपके हाथ में है, उस मोबाइल को आप कितना यूज करते हैं? करीब करीब 20 तो करते ही होंगे, 18 तो करते ही होंगे जी सर। हर वक्त किसी के साथ है ना जी सर। अगर आपको 24 घंटा बिना मोबाइल के छोड़ दिया जाए तो पागल हो जाएगा आदमी, शर्मा जाएगा होंगे ना जी सर, होते हैं ना। मोबाइल आज आपकी जरूरत है, खाना अगर 12 बजे की जगह आपको 6 बजे मिलेगा वो इशू नहीं है ना जी सर। अब अगर 12 बजे से 6 बजे के बीच आपने मोबाइल नहीं देखा तो पसीना आना चालू चालू, ठीक है ना जी सर। लेकिन आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हम सिर्फ इस मोबाइल का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। कितना? 10%। क्या करते हैं? मोबाइल खोलते हैं, कॉल करते हैं ना जी सर। बहुत मन करा तो व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करते हैं, नहीं तो किसी का रील देखते हैं। किसी का आपका मन पहलेगा, इसीलिए आप लोगों का लटका झटका देख रहे हैं, है कि नहीं जी सर। आपको पता है वो लटका झटका क्यों दिखा रही है? उसको आपका फॉलोअर चाहिए, बटन दबाओ, क्या दबाओ? आपको अच्छा लगा तो बटन दबाओ, नहीं तो आपको दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड में दिखाता है क्या ऐसे? नहीं। अविनाश जी मैं डांस कर रहा हूँ, बोलता है कोई ऐसा? नहीं। पैसा का माने एक प्लेटफॉर्म चुना है मोबाइल के माध्यम से, और इस प्लेटफॉर्म को चुनने के बाद उसने यहाँ पे क्या किया, वो अपने आप को प्रस्तुत करते है ना, जी सर। डांस के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से, कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ ये मकसद है
कि मुझे अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना है। क्यों? पैसा कम चला कि वहां से भी पैसा मिलता है, मिलता है जी। आप लोगों से कोई है क्या यूट्यूबर? नहीं है। तो ये समय है, मैं जो आपको बता रहा हूं कि प्लान तो सिर्फ 15 मिनट का, कितने का है 15 मिनट। प्लान पे अभी नहीं जाएंगे, पहले मैं थोड़ा आपको वो बताना चाहता हूं लिया का ना जी सर। हम लोग आज तक यहां से जाने के बाद सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, मुझे पता है, है कि नहीं जी सर। यहां से जैसे बाहर निकलेंगे है ना जी सर, मार्केट में जाएंगे वो पांच ऊंचा होगा, आपका मोटिवेशन अपने आप खत्म। लेकिन वही आदमी सक्सेस करेगा तो समझ जाएगा, ठीक है ना जी सर। जो आदमी ले लेगा अंदर तक, वही लेगा, वही वही सक्सेस करेगा आदमी। अदरवाइज दुनिया इतने जल्दी, अगर सब लोग सक्सेस करने लग जाए तो क्या बात होता नहीं। अमेज़न का मालिक जेफ बेजोस ने अपने आप को पहले उस लाइक बनाया कि मुझे करना क्या है, और करने के लिए उसने चुना सोशल मीडिया। क्या चुना? सोशल मीडिया। मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मार्केट से चीजों को अपने प्लेटफॉर्म में डालूं और यहां लोग देखें और ऑनलाइन ऑर्डर दें और मैं उसको होम डिलीवरी। ये सोच कब की है? 1994। आप क्या कर रहे? आपके यहाँ झिबरी था ना, झिबरी होता था। हम लोगों ने अपना एजुकेशन ढिबरी में किया, ढिबरी लालटेन में ना जी सर, पता है जी सर। तो उस समय इस आदमी ने सोचा कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूंगा ना जी सर। तो वो हमारी अगर तो था नहीं, यानी वो लोग हमसे 20 साल एडवांस है जी सर, वो हमसे 20 साल एडवांस है, ठीक है ना। उन्होंने सोचा, सोचने के बाद इसको अमल किया, जब अमल किया तो लोग हंसने लगे। हंसने मतलब जिसने कसम खाया था कि एक दिन मैं दुनिया में राज करूंगा, और राज करने के लिए लगातार लगा रहा, इन्वेस्टमेंट किया, कर्जा लिया, सब कुछ किया, करने के बाद एंड क्या हुआ याद रखना बात। 41,60,000 करोड़ का मालिक हो ना, और धागा तक नहीं बनाता, ठीक है जी सर। हाँ, तो ये दुनिया इतनी फास्ट चल रही है। अब पहले जैसा बोलते ना दिल्ली बहुत दूर है, अब दिल्ली बिल्ली दूर नहीं है, नहीं है भाई, ठीक है जी सर। तो आपको भी सोशल मीडिया को मुट्ठी में रखना पड़ेगा, मोबाइल का सही इस्तेमाल करना सीख जाइए। 24 घंटा हम रील देखने में व्यस्त हो जाते हैं, देखते हैं ना जी सर। आपका समय कितना कीमती है इसका अंदाजा आपको भी नहीं, नहीं है। इसी दिन हो जाएगा तो दिन आपको लगेगा कि अब दुनिया धरती में ना जमीन नहीं है, मेरी धरती पे ना पैर है ना, क्योंकि ये हम लोग अभी भी कर रहे हैं, अभी भी झेल रहे हैं। हम अपने लाइफ में कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन गलती से सीखना पड़ता है ना आदमी को, ठीक है ना जी। जो लोग सीखे हैं ना सर, वो दुनिया में आज अपना डंका बजा रहे हैं, और जो नहीं सीखे उनके लिए तो सब कुछ एक ही जैसा है। ये मैंने आपको बताया कि देखिए कितना परिवर्तन दुनिया में हुआ। एक आदमी को इंडिया का नंबर वन बनने में 60 साल लग जाते हैं, और एक आदमी को दुनिया का नंबर वन बनने में। एक नाम और बताऊ, एक नाम और सुनिए, वो है सी जेड का। क्या नाम है? सी जेड। आप लोग में से कितने लोग जानते हैं इसको? ये तो सी जेड है, ये एक ब्लॉकचेन है, बाइनेंस है उसका ओनर है, सीईओ है। और ये आने वाले एक साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड का नंबर 10 रिचेस्ट पर्सन बन गया था। कितना? 10वां नंबर का दुनिया का रईस बनना। आप रांची का 10वां नंबर का बनके दिखाई, रांची का बन के दिखाएंगे 10वां नंबर का, है ना? तो आपका रसूख अलग ही होगा। ये वर्ल्ड का टॉप 10 में चला गया था सी जेड। ये सिर्फ एक ब्लॉकचेन चलाता है बिनांस के नाम से, ठीक जी सर, जहां हम लोग ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो। इसको 2015 में कौन जानता था? कोई नहीं, कोई जानता था, कोई नहीं। आज अभी कौन सा साल चल रहा है? मैं बोलता हूँ चलिए मैं 10 साल ही ले लेता हूँ। कितना? 10 साल।
ये दुनिया का टॉप 10 आदमी 10 साल में बन गया। समझ में कुछ आ रहा है? आ रहा है। मेन मुद्दे पे जा रहा हूँ, समझ आ रहा है ना? जी सर। एक को कितना साल लगा सर? 7 साल। दूसरे को कहाँ लगा? 20 साल। 20 साल। अभी तीसरे का? 10 साल। तो क्या? 5 साल। और है? जी सर। जी सर। सर? लंबा है सर। ये हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर। हो सकता है। जी सर। अब ये हो सकता है कि शायद 5 साल में भी आप सुनेंगे कि कोई दुनिया का रईस बन गया। लोग अब अपने आप को इतने बड़े स्केल पे प्रमोट करने लगे हैं ना, इतने बड़े स्केल पे कि मैं क्या बताऊं आपको ना। उसका एक ही कारण है, सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया? नहीं तो अमेरिका में बैठा हुआ एलन मस्क को आप कितना जानते हैं? जानते हैं सर उसको? अभी जानते हैं? पहले नहीं जानते? पहले नहीं जानते ना। तो पहले हम अखबार पढ़ा करते थे, अखबार पढ़ा करते थे ना। जी सर। अब अखबार कौन पढ़ता है? अब मोबाइल में देखते हैं। पहले आप लोग जाके सिनेमा हॉल में फिल्म देखते थे, अब फिल्म कौन देखता है? कोई नहीं। चीजें सिमट रही है ना। जी सर। और सिमटने के बाद एक प्लेटफॉर्म पे आ रही, छोटा सा प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल है आपका, जिसका सही उपयोग करने लग जाइएगा तो आपका इनकम दिन दुनी रात चौगनी आप तरक्की कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि क्या आपका अर्निंग करने का सपना कितने का है, कितना कमाना चाहते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप कितना कमाना चाहते हैं? अगर मैं किसी से पूछूं तो क्या जवाब देंगे? धीरेन्द्र सर कितना कमाना चाहते हैं? अपने लाइफ में बताइए कितना कमाना चाहते हैं आप? 5 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं? बिना सर आप कितना कमाना चाहते हैं? नाम है, नंबर बताइए, नंबर बताइए। अनलिमिटेड कुछ नहीं होता क्या? अनलिमिटेड उसका 45 लाख 60 हजार उसका भी है ना, गिनती तो है ना उसका भी। अनलिमिटेड तो कुछ नहीं होता, फिर भी कितना कमाएंगे? 10, 15, 20, 25, 30, 50 कितना? 10 लाख रुपया क्या? ये क्या मंथली है? ये मंथली है क्या? हम तो डेली बोल सकते। क्या बहुत ज्यादा रकम है क्या 10 लाख रुपया डेली? नहीं, सिर्फ 3 करोड़ हुआ। कितना हुआ? 3 करोड़। 9 करोड़ कितना हुआ? 9 करोड़। सिर्फ 9 करोड़ हुआ महीने का? कितना? 9 करोड़। सिर्फ 9 करोड़। अब और साल का? 1 अरब के ऊपर हो गया ना। जी सर। साल का ना मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसा ऐसा कमाने वाले 1-2 लोग नहीं बहुत इंडिया वर्ल्ड में, ये कमाने वाले 1-2 लोग नहीं है ना, बहुत है। आप गिनती भूल जाइएगा। आप उसी को जानते हैं करोड़पति अरबपति जिसका फोर्ब्स में नाम आता है जी। आप उसी को जानते हैं जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहलाता हो, यही जानते हैं जी। लेकिन ऐसे हजारों की संख्या में है जो कमा तो रहे बोलते नहीं। हाँ। ये 10 लाख और 20 लाख तो कुछ भी नहीं है ना जी सर। इनकम अगर मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा सर्कुलेट कर दूं, एग्जांपल के तौर पे कि रांची में एक व्यक्ति है जिस आदमी के पास टोटल 40 दुकान है, कितना? 40 दुकान और उसका एक दुकान का किराया 2.5 लाख रुपए मिनिमम है। अगर मैं आपको बोलूं कि सुजाता चौक के पास एक जमीन है, उसमें उसका एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का दुकान है, कितना होगा सर? बहुत होगा, समझ रहे बात को ना। तो सर मैं रांची की बात बता रहा हूँ, बहुत चुप चाहिए। ऐसे लोग रांची में भी बहुत रांची का खुटिया में है। दुनिया पैसे से चलती है, इसे चलती है पैसे से। एकदम मतलब ना गांठ बांध लीजिए मेरी बात को ना जी सर। नहीं तो प्रैक्टिकल अगर लाइफ में करना है तो दो चीजें मैं भी सीखा, आप भी सीखिए। अगर किसी का किसी के वो नापनी है कि आपसे कितना मोहब्बत है, उल्फत है, तो उससे खाली 5,000 रुपया मांग के देख लीजिए। पहला। और दूसरा, एक आदमी से डेली 10 रुपया मांगे, कितना? 10 दिन तक ना, बहुत कलेजा निकाल के देने वाला आपका दोस्त यार एकदम होगा, बहुत अच्छा होगा। लगातार 10 दिन तक 10 रुपया मांगे, सिर्फ 10 रुपया 3 दिन तक देगा आपको, कितना दिन तक? 3 दिन। और चौथा दिन सवाल करेगा क्यों पे ना, फिर दे देगा। 5वां दिन बोलेगा नहीं दिन जाओ, फिर दे देगा ना जी सर। 10वां दिन बोलेगा सर आज के बाद सकल मत दिखा। पैसे से दुनिया शुरू, पैसे से दुनिया अंत। हमारा जीवन वैसे ही हो गया।
जी तो हम कमाने के लिए ही बैठे हुए यहाँ पे ना जी। और आप अपने आप को अनकंफर्ट कीजिए पहले। कंफर्ट क्या है? घर में बैठे हुए पलंग में खाना मिल रहा है ना जी, सो रहे हैं। और हम लोग क्या देख रहे हैं? टीवी मोबाइल। पता चला 11 बजे सोते थे, अब 3 बजे उठ रहे ना। घर में घरवाली कहाँ गई है? ठीक है ना, थोड़ा सा जाके वो काम करके वापस आ गए। बहुत बड़ा अपने आप को पसीना उसेना पोछे, कितना बड़ा काम कर लिया, फिर आके वही काम किए। नहीं, सुबह हुआ शाम हुआ, सुबह हुआ शाम हुआ, आपका जिंदगी खत्म तमाम हुआ। आपको एहसास भी नहीं है उम्र कहाँ पहुंच गया, किस पोजीशन पे है आपके डेट में आप ना जी सर। हम डरते हैं, इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि डर के आगे तो हमारा कुछ हमको सुझाई नहीं देता, कुछ दिखाई देता आपको डर के आगे नहीं सर। डर के आगे जीत है। आप अपने लाइफ को हमेशा ऐसा माहौल में डाल दिए ना कि बस यही जिंदगी है, बाकी कुछ नहीं। बोलने वाला बोलता है वो, छोड़ो ना, बोलने वाला होता है नहीं, होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे तो आप उसके बारे में नेगेटिव बना लेते हैं ना जी सर। वो कहावत नहीं, लोमड़ी बोला था क्या गुड़ खट्टे है जी, कैसे बोल दिया था? अगर वो चाहता है चक्कर ले लेता मुंह में तो मीठा है, तो खट्टा बोलता वो नहीं सर। कुछ ना कूदा देखा नहीं पहुंचा तो बैठा खट्टा है। तो ये हमारे लिए हो गई खट्टा है ना जी सर। क्योंकि आप उछलने में काबिल ही नहीं।